सोशल मीडिया पर आजकल डिजिटल कैमरा काफी ट्रेंडिंग में है। लोगों में जानने की उत्सुकता है कि डिजिटल कैमरे का आविष्कार आखिर कब हुआ। चलिए आपको बताते हैं कि लोगों में डिजिटल कैमरा क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है और ये कब वजूद में आया। दरअसल शब्दों के धनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में निजी चैनल को इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने कई ऐसी बातें बोली जो लोगों के गले नहीं उतर पा रही हैं। उन्हीं में से एक है प्रधानमंत्री मोदी का 1988 में डिजिटल कैमरे और ईमेल का इस्तेमाल करना। इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि शायद मैंने पहली बार डिजिटल कैमरे का उपयोग किया साल 1987 और 88 में, और उस समय काफी कम लोगों के पास ईमेल रहता था। मेरे यहाँ वीरमगाम तहसील में आडवाणी जी की रैली थी, मैंने डिजिटल कैमरे पर उनकी फोटो खींच कर दिल्ली को ट्रांसमिट की। जैसे ही ये जवाब टीवी स्क्रीन पर आया, उसने सोशल मीडिया की राह पकड़ ली और लोगों के मोबाइल में बतौर मीम घूमने लगा। इस जवाब के बाद न सिर्फ सोशल मीडिया यूजर बल्कि विपक्ष भी मुखर हो गया। कांग्रेस पार्टी की आईटी सेल की प्रमुख दिव्या स्पंदना ने भी प्रधानमंत्री के इस कथन पर टिप्पणी की और लिखा कि क्या आप सोच सकते हैं कि 1988 में नरेंद्र मोदी की ईमेल आईडी क्या थी? मुझे लगता है tud@lol.com। अब आपको बताते हैं कि पहला ईमेल कब और कहां भेजा गया था। दुनिया का पहला ईमेल साल 1971 में अमेरिका के कैम्ब्रिज नामक स्थान पर रे टॉमलिंसन नामक इंजीनियर ने एक ही कमरे में रखे दो कंप्यूटरों के बीच भेजा था। ये दोनों कंप्यूटर नेटवर्क अर्पानेट से जुड़े थे। अर्पानेट यानी एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क एक मायने में इंटरनेट का पूर्वज है, जिसका इस्तेमाल संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने के लिए किया जाता था। जनवरी 1983 में आधुनिक इंटरनेट का जन्म हुआ और भारत में इंटरनेट सेवा 15 अगस्त 1995 में आरंभ हुई, जब विदेश संचार निगम लिमिटेड ने अपनी टेलीफोन लाइन के जरिए दुनिया के अन्य कंप्यूटर से भारतीय कंप्यूटरों को जोड़ दिया। जन सामान्य के लिए इंटरनेट विदेश संचार निगम सीमित के गेटवे सर्विस के साथ ही आरम्भ हुआ। साल 1998 में सरकार ने निजी कंपनियों को इंटरनेट सेवा क्षेत्र में आने की अनुमति दे दी। इसी साल देश की पहली साइट इंडिया world.com आरंभ हुई, rediff.com और indiatimes.com भी आरंभ हुई। आपको बता दें कि अमेरिका के 42वें राष्ट्रपति बिल क्लिंटन अपनी अध्यक्षता के दौरान ईमेल भेजने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। उन्होंने 7 नवंबर 1998 को अंतरिक्ष यात्री जॉन ग्लेन को यह ऐतिहासिक मेल भेजा था। अब देश के प्रधानमंत्री ने 1988 में ईमेल कैसे भेज दिया, ये तो वही जाने। अब बात आती है डिजिटल कैमरे की, तो इंजीनियर स्टीवन सेसन ने पहले इलेक्ट्रॉनिक कैमरे का आविष्कार साल 1975 में किया था। वहीं व्यावसायिक तौर पर 1990 में पहला डिजिटल कैमरा उपलब्ध हुआ था, जिसके बाद ही इसकी बिक्री शुरू हुई थी। इसमें एक सीसीटी इमेज सेंसर का प्रयोग किया जाता था, जिसमें तस्वीरों को डिजिटल रूप से संग्रहित किया जाता था। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी का बादल और रडार से जुड़ा बयान भी सोशल मीडिया पर काफी चर्चा में रहा था। हालांकि विवाद होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अपने ट्विटर हैंडल से इस ट्वीट को हटा लिया था। अमर उजाला.com